आपको सीधा बनारस ले चलते हैं, जहां पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मौजूद हैं। गांधी वाराणसी में पहुंच चुकी हैं। प्रियंका गांधी का ये वाराणसी का दौरा है। गुरु रविदास जयंती के अवसर पर प्रियंका गांधी कांग्रेस महासचिव वाराणसी पहुंची हैं। यहां पर ये आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे वो गुरु रविदास मंदिर भी वहां पहुंची, वहां पर उन्होंने गुरु रविदास जी की पूजा की, वहां पर प्रसाद को भी ग्रहण किया उन्होंने। आज गुरु रविदास जयंती है और इस मौके पर वो वाराणसी पहुंची हुई है। आप ये देख सकते हैं लगातार जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनके अंदर भी कितना हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है कि अपनी महासचिव को अपने बीच देखकर। वहीं प्रियंका गांधी का ये मिशन 2022 है, 2022 की तैयारियां प्रियंका गांधी अभी से ही लगातार कर रही हैं। वहीं महासचिव बनने के बाद प्रियंका गांधी का बनारस का ही केवल ये पांचवा दौरा है। तो आपको बता दें संत की शरण में पहुंची हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी का ये वाराणसी दौरा जिसकी सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, गोवर्धनपुर में टेका मत्था, संत निरंजन दास से मुलाकात की है प्रियंका गांधी ने। महासचिव बनने के बाद वाराणसी का ये पांचवा दौरा है प्रियंका गांधी का। पीएम के संसदीय क्षेत्र में सेंध मारने की तैयारी में है प्रियंका गांधी। हाल ही में सीएए के खिलाफ गिरफ्तार हो चुकी हैं, गिरफ्तार हो चुके लोगों से मुलाकात की है इन्होंने। अलग अलग मुद्दों पर योगी सरकार पर हमलावर रही है प्रियंका गांधी। संगठन को लगातार मजबूत करने की कवायद जारी है प्रियंका गांधी की तरफ से। मिशन 2022 की तैयारियों में जुट चुकी हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने 2022 चुनाव के लिए अपनी कमर अभी से कस ली है। आपको बता दें कि 2022 में चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस ने अपना चेहरा अभी से प्रियंका गांधी को बना लिया है। ये तय माना जा रहा है कि कांग्रेस 2022 का चुनाव
प्रियंका गांधी के बलबूते पर लड़ेगी और उनको उत्तर प्रदेश में चेहरा बनाकर ये चुनाव लड़ेगी। इसी के चलते लगातार हम देखते हैं कि प्रियंका गांधी हर बात पर उत्तर प्रदेश में पहुंची रहती हैं और उत्तर प्रदेश का लगातार दौरा करती रहती हैं प्रियंका गांधी। और वहीं कांग्रेस महासचिव बनने के बाद भी प्रियंका गांधी का केवल और केवल बनारस में ही ये पांचवा दौरा है। पीएम के संसदीय क्षेत्र में सेंध मारने की पूरी तैयारी में जुट चुकी हैं प्रियंका गांधी। आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे प्रियंका गांधी के स्वागत में लोग मौजूद हैं, उन्हें शॉल और ये माला फूल देकर गुलदस्ता देकर लोगों ने उनका स्वागत किया। आप ये देख सकते तस्वीरों में लोग और जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के लगातार उन्हें फूल और देकर उनका स्वागत कर रहे हैं।